लाइव बचता रहेगा हमारे वजह से, तो वी विल ग्रेटफुल फॉर दैट। नमस्कार पब्लिक, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ रोड माफिया। दिस इज वाइबो, होप एवरीवन एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग। तो आज का दिन है थर्सडे, जाना है ऑफिस, बज गए 10, कॉल आया तो ऑफिस से, बहुत दिन के बाद बाइक निकालने वाला हूँ और गोप्रो भी चेस्ट के ऊपर सेट करा क्योंकि अभी तक हमारा सामान ही लेके आया। तो आज का शेड्यूल कुछ वैसा ही है कि ऑफिस जाना है, 14th floor पे नज़ारे दिखाई देंगे BKC के और बहुत अच्छे से नज़ारे दिखते हैं मेरे ऑफिस से। तो ट्राई करेंगे कि ऑफिस का शूट ना लेके, क्योंकि इट इज अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हम नहीं छूट ले सकते। तो उसके बाद जाएंगे हम कैमरा मार्केट से एडाप्टर लेने, क्योंकि संडे का राइड फिक्स हो गया पर लोकेशन फिक्स नहीं हुआ। तो देखते हैं लोकेशन कहाँ फिक्स होता है, आपको तो बताई देंगे ही हम थोड़ी देर में, या मैं भी भाई संडे को ही। तो उसके बाद आएंगे मरीन ड्राइव पे, इवनिंग का नज़ारा लेंगे, चेक करेंगे कैसा है क्लाइमेट। अभी तो थोड़ी बादल छाए हुए हल्के फुल्के, तो अभी निकलना ज़रूरी है क्योंकि जाना कंपलसरी है। तो सी यू ओवर देयर within some time, bye bye। तो ये नज़ारा है कुछ मेरे ऑफिस का, बज गया अराउंड 3। तो अभी मेरा काम हुआ नहीं था अंधेरे में, तो अभी मैं निकल आया यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले काम क्लियर करना था। तो अभी मेरा काम क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। बहुत बाहर धूप है, परेशान हो रहा, पूरा बॉडी चिपचिपा रही है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप हो गया, ट्राई करा था कॉफ़ी पीने का पर कॉफ़ी भी यहाँ पे पूरा क्लियर आउट कर दिया। पर जो मेरे ऑफिस से जो नज़ारा मिलता है ना पूरे BKC का, वाओ, ये जस्ट वाओ। दिल करेगा कि यहीं पर बैठ जाओ पूरा दिन, पर अभी वो दिन चले गए कि कभी हम इस सोफे के ऊपर नहीं अलाउड किया है क्या। तो एक टाइम था कि हम उस सोफे के ऊपर बैठ के कॉफ़ी पिया करते थे, पर वो बहुत मिस करे। वर्क प्लेस तो वर्क प्लेस रहता है और ऐसा वर्क प्लेस हो तो किसको नहीं पसंद आएगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा यहाँ पे काम निपटा चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ अंधेरी, अंधेरे से अभी मैं शूट नहीं करूँगा जाता, फिर डायरेक्टली जाएंगे हम कैमरा मार्केट में हमारा काम करेंगे, ले लेंगे जो सामान लेना है। वो मैं ट्राई करूँगा कि एक छोटा सा टाइम लैप लिया जाए अपना मरीन ड्राइव पे, तो देखते हैं जैसा टाइम मैनेज होगा वैसा, अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो ऑल द बेस्ट। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।
फाइनली बिजी डे खत्म हो गया, बज गए 10, हो गया डिनर का टाइम। सुबह से सिर्फ 2 वड़ा पाव के ऊपर मैं खड़ा हूँ अभी तक, तो मुझे टाइम थोड़ा भी नहीं मिला, मैं रुका भी नहीं कहीं पे, क्योंकि मुझे चर्चगेट भी जाना था। चर्चगेट में जाते आते आपने बीच में रोड में देखा रहेगा वहाँ एम्बुलेंस का सीन। तो कभी भी आपको ऐसा मौका मिले किसी के लिए कुछ करने का, फॉर गॉड्स सेक हम सेफ है, पर किसी का लाइफ बचता रहेगा हमारी वजह से, तो वी विल ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मैं चर्चगेट गया तो आपको कुछ दिखाना भी, थोड़ा बैठ जाते हैं क्योंकि मेरी फैमिली अभी वेट कर रही है खाने के लिए मेरा, तो वीडियो तो एंड करना ही जल्दी से। तो एक खुशी की बात भी है, वो सनडाउन मिला, सनसेट मिला, बहुत एक्सीलेंट था, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील हुआ वहाँ पे भी। और हमने लेके आया है अडैप्टर, तो अभी मौका मिलेगा आपसे बात करने का, बहुत सारे चीज़ें एक्सप्लेन करने का ऑन द रोड। अभी तक हम शांत थे तो अभी हम तहलका मचाने वाले हैं। तो आ गया ये भी माउंट वाला सीन, तो माउंट व्यूट सब सेट हो जाएगा संडे के राइड में, हम आपसे बात करेंगे और तहलका मचने वाला ही है, तो स्टे ट्यून। तो अभी के लिए वीडियो करते हैं, अस्सलाम वालेकुम बेबी, होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, बॉस यू आर ऑलवेज फ्री टू डू दैट, पर कमेंट जरूर करना क्योंकि हमें मिलेगा उसका इन्फॉर्मेशन कि क्या हमने लाइक किया, और अगले वीडियो में बहुत सारा कुछ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, वर्क हार्ड, अर्न हार्ड, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ रोड माफिया।